हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मार्केट स्ट्रक्चर में हमारी चार मार्केट्स आती हैं। फर्स्ट होती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, सेकंड होती है मोनोपोली मार्केट, थर्ड होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट और फोर्थ होती है हमारी लास्ट ओलिगोपोली मार्केट। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और मोनोपोली मार्केट को हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियोस में। कंप्लीट मार्केट प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है फर्म का या इंडस्ट्री का, कौन प्राइस बनाती है और कौन प्राइस लेती है, मीन्स फर्म प्राइस लेती है या फर्म प्राइस बनाती है और इंडस्ट्री प्राइस बनाती है फर्म प्राइस लेती है, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है पहले वाली वीडियोस में। अगर आपने अभी तक वो तो मार्केट कंप्लीट नहीं की है तो पहले आप जाकर उन वीडियोस को चेक कीजिए, वो मार्केट कंप्लीट कीजिए, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर में चारों ही मार्केट इम्पोर्टेंट है। तो आज का टॉपिक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन परफेक्ट मार्केट और मोनोपोली मार्केट दोनों का मिक्सचर है, मीन्स उसमें कुछ फीचर्स हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के और कुछ उसमें फीचर्स हैं मोनोपोली मार्केट के। जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था कि वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, फ्री एंट्री है, एग्जिट है किसी भी फर्म की, बट वहाँ पर एक चीज़ थी कि जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस है, मतलब प्रोडक्ट बिल्कुल सेम ही है। अगर एक मार्केट के अंदर चार फर्म हैं तो चारों फर्म ही कोलगेट को सेल कर रही हैं, मतलब सेम जितने भी फर्म्स हैं वो सभी सेम प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं। और मोनोपोली मार्केट में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे मोनोपोली मार्केट मींस एक सिंगल इंडस्ट्री है, वहाँ पे कोई और फर्म नहीं है और वो ऐसा प्रोडक्ट बेच रही है, ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रही है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, जैसे गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी सेल करती है। मोनोपोली के अंदर फर्म जैसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे एक ही इंडस्ट्री होती है जो एक ही मार्केट है, मींस एक ही सेलर है जो खुद में एक इंडस्ट्री है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में दोनों के फीचर्स मिक्स हैं। जैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मीनिंग है There are many producers competing against each other. यहाँ पे बहुत सारे प्रोड्यूसर होते हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट कर रहे हैं, मतलब कंपटीशन कर रहे हैं वो प्रोड्यूसर, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में करते थे। बट सेलिंग प्रोडक्ट दैट आर डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन अनदर। बट परफेक्ट कंपटीशन में क्या था कि जो वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो होमोजीनियस है, बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सेलिंग प्रोडक्ट विच इज़ डिफ्रेंशिएटेड, वो एक दूसरे से अलग है, अलग इन टर्म्स ऑफ प्राइस, मतलब उन सेलिंग प्रोडक्ट का प्राइस अलग है, ब्रांड अलग है, क्वालिटी अलग है, तो वो ब्रांड प्राइस और क्वालिटी के टर्म्स में डिफ्रेंशिएटेड हैं एंड हैंस आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मीन्स ये है कि सब्स्टिट्यूट तो है वो, बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं वो क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। फॉर एग्जांपल क्लोथ मार्केट है जैसे, तो क्लोथ मार्केट के अंदर जो क्लोथ है वो आपको हर शॉप पे अलग क्वालिटी का मिलेगा, अलग प्राइस का मिलेगा और अलग ब्रांड का मिलेगा। तो यहाँ पर जितनी भी शॉप हैं, जितनी भी फर्म्स हैं,
वो सब उनका सेलिंग जो वो प्रोडक्ट सेल कर रही हैं वो सेम हैं। अगर हम शर्ट की बात करते हैं तो सभी फर्म्स शर्ट ही सेल कर रही हैं, प्रोडक्ट सेम है, बट वो डिफरेंशिएट करता है। मींस अगर चार फर्म हैं तो चारों फर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएट है, अलग है। अब इस फर्म का ब्रांड कुछ और होगा, इस फर्म का ब्रांड कुछ और है, इस फर्म का ब्रांड कुछ और है, और इस फर्म का ब्रांड कुछ और है। मीन्स चारों फर्म का ब्रांड अलग है, उनकी क्वालिटीज़ अलग है, बट प्रोडक्ट एक ही है शर्ट। सब्स्टिट्यूट तो है कि अगर हम इस ब्रांड का परचेज़ नहीं करते तो हम इस ब्रांड का परचेज़ कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट तो है क्योंकि है तो चारों फर्म सेल तो शर्ट ही कर रही हैं, सब्स्टिट्यूट तो है, बट परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट नहीं है क्योंकि उन सब में डिफरेंशिएशन है, वो सब अलग अलग हैं, ब्रांड के कंपैरिजन में लगा लो, प्राइस में या फिर क्वालिटी में, सभी फर्म्स की क्वालिटी, उनका ब्रांड और उनका प्राइस अलग अलग है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं क्योंकि ये भी शर्ट है, ये भी शर्ट है, हमारे लिए दोनों ही शर्ट हैं, बट जो जो कस्टमर जिस ब्रांड को लाइक करता है वो उसी ब्रांड को उसी ब्रांड का शर्ट परचेज करेगा। तो मीन्स उसकी नज़र में चारों जो प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये परचेस कर लिया और ये परचेस कर लिया एक ही बात है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों के ब्रांड्स अलग हैं। तो ये था इसका मीनिंग कि सेलिंग प्रोडक्ट अलग है उनकी ब्रांड प्राइस और क्वालिटी को लेकर, बट प्रोडक्ट एक ही है जैसे शर्ट है। और यहाँ पर बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं जो मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं और आपस में कम्पीट करते हैं, जैसे इन चारों के बीच में कंपटीशन है। उसके बाद है फीचर्स। फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट है लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड बायर्स। यहाँ पे बहुत सारी फर्म्स होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स मीन्स अनेक संख्या में यहाँ पे फर्म है, जैसे कि हमने एग्जांपल चार का लिया है, बट शर्ट को सेल करने वाली फर्म्स बहुत ज़्यादा हैं और इसके बायर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी फर्म अपना प्रोडक्ट बना रही है और उसका कोई बायर नहीं है, हर फर्म का, हर ब्रांड का कोई ना कोई बायर है। तो यहाँ पर बायर्स भी बहुत ज़्यादा नंबर में है और फर्म्स भी बहुत ज़्यादा नंबर में है, लाइक परफेक्ट कंपटीशन। सेकंड है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। ये भी परफेक्ट कंपटीशन की तरह ही है, यहाँ पे सभी फर्म्स को फ्रीडम है, आज़ादी है कि वो ईज़िली मार्केट में एंट्री ले सकते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए और ईज़िली मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी चार फर्म्स अवेलेबल हैं जो शर्ट सेल कर रही है, अगर यहाँ पर पांचवी फर्म आके भी कोई शर्ट सेल करती है तो उसमें कुछ उसको उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि आप मार्केट में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती जैसे मोनोपोली मार्केट में होती है। तो यहाँ पर फ्रीडम है। उसके बाद है सेलिंग कॉस्ट आर हाई। ये एक नया पॉइंट है, सेलिंग कॉस्ट आर हाई, जो मोनोपोली मार्केट में भी नहीं था और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में भी नहीं था। सेलिंग कॉस्ट आर हाई का मतलब है कि जो क्लॉथ मार्केट है, अब यहाँ पे चार फर्म्स या चार ब्रांड्स अवेलेबल है शर्ट की, तो अभी उन सभी ब्रांड्स को, उन सभी फर्म्स को अपनी शर्ट सेल करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी, मींस एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी ताकि उनकी ब्रांड में पॉपुलैरिटी आए, उनकी ब्रांड के बारे में कस्टमर्स में नॉलेज हो कि ऐसी भी कोई ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है, ताकि कस्टमर भी उस ब्रांड तक पहुंच सके। तो यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, आर हाई, क्योंकि जितनी भी फर्म्स हैं उन सभी को अपनी ब्रांड रिकॉग्निशन के लिए, अपनी ब्रांड की पहचान कराने के लिए सेलिंग कॉस्ट करनी पड़ती है। सेलिंग कॉस्ट मीन्स उनको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, उनको कूपन्स देने पड़ते हैं,
और उनको फ्री सैंपल्स देने पड़ते हैं ताकि उनकी ब्रांड के बारे में अवेयरनेस आए मार्केट के अंदर कि ऐसी भी कोई ब्रांड अवेलेबल है, बायर्स कस्टमर्स वहाँ तक ईजिली पहुँच सके। तो ये एक नया पॉइंट है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट का भी कर्व बनता है जो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली कंपटीशन में, मोनोपोली मार्केट में नहीं था। तो यहाँ पे सबसे अलग पॉइंट सेलिंग कॉस्ट का ही है कि जो सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। सभी फर्म्स अपनी ब्रांड की पहचान बनाने के लिए सेलिंग कॉस्ट करती है, मीन्स बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करती है टेलीविज़न के ऊपर, रेडियो के ऊपर, और आजकल तो इंटरनेट की भी फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वहाँ पर भी ब्रांड्स अपनी प्रोडक्ट की पहचान बनाने के लिए वहाँ पर ऐड करती है, तो उससे सेलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो ये तो है कि प्रोडक्ट, वैसे तो प्रोडक्ट सेम ही है कि शर्ट है, बट वो प्रोडक्ट अलग है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट है। कैसे? क्वालिटी को लेकर, क्योंकि सभी ब्रांड्स की शर्ट की क्वालिटी अलग अलग होगी, उनके प्राइसेस अलग अलग होंगे, और उनकी जो ब्रांड भी अलग होगी, उनकी क्वालिटी भी अलग होगी और उनके प्राइसेस भी अलग होंगे। उसके बाद है पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस। यहाँ पर फर्म्स का प्राइस के ऊपर पार्शियल कंट्रोल है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है फर्म्स का, और मोनोपोली मार्केट के अंदर प्राइस के ऊपर मोनोपोलिस्ट का फुल्ली कंट्रोल होता है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ना तो ऐसा है कि कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही ऐसा है कि फुल्ली कंट्रोल है। यहाँ पे पार्शियल कंट्रोल है। पार्शियल कंट्रोल है जैसे कि अब एक ब्रांड है, फेमस ब्रांड फॉर एग्जांपल रेमंड है। अब रेमंड की अगर रेमंड का कोई क्लॉथ खरीदना चाहता है तो रेमंड ब्रांड कितनी ही प्राइस रख ले अपने अपने प्रोडक्ट की, तो उसका वो सेल हो जाएगा। मीन्स एक लिमिटेशन तक उसका प्राइस के ऊपर कंट्रोल है। ऐसा नहीं है कि प्राइस को लेकर रेमंड का प्रोडक्ट कस्टमर्स परचेज नहीं करेंगे। अगर रेमंड के क्लॉथ की क्वालिटी अच्छी है तो उसका प्रोडक्ट परचेज किया जाएगा। तो यहाँ पे फर्म्स का एक आधा या पार्शियल कह सकते हैं हम, कुछ हद तक प्राइस के ऊपर कंट्रोल है। उसके बाद है क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ गुड्स। जो गुड्स हैं, जो प्रोडक्ट हैं, वो क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं, वो प्रोडक्ट आपस में क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं। क्योंकि चारों ही फर्म्स शर्ट सेल कर रही हैं, तो सब्स्टिट्यूट तो है कि अगर आप इस फर्म से नहीं परचेज करते तो आप इस फर्म से परचेज कर लो, इससे नहीं करते तो इससे कर लो। आपके पास चार ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो चार ऑप्शन अवेलेबल हैं, चारों ही सब्स्टिट्यूट हैं। सब्स्टिट्यूट मीन्स कि अगर आप ये चार पेन हैं, चारों पेन काम तो राइटिंग का ही करेंगे, काम तो वो लिखने का ही करेंगे पेन, बट वो चारों ही आपस में सब्स्टिट्यूट हुए। मीन्स अगर आप ये पेन परचेज नहीं करेंगे तो आप ये पेन परचेज कर लेंगे, क्योंकि चारों पेन का काम राइटिंग का ही है। वो अलग हो सकते हैं उनकी ब्रांड को लेकर, उनके प्राइस को लेकर। तो यहाँ पर आपस में जो सब गुड्स हैं वो क्लोज सब्स्टिट्यूट रहते हैं। उसके बाद है नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन मीन्स कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर नॉन प्राइस कंपटीशन रहता है। यहाँ पे प्राइस को ज़्यादा ना करके, जैसे कि अब कोई डिस्काउंट देता है तो वो प्राइस को मे भी कम करके और प्राइस को ज़्यादा करके, डिस्काउंट देकर, कूपन देकर भी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। मीन्स यहाँ पे प्राइस को लेके कंपटीशन नहीं होता, बल्कि यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन रहता है। यहाँ पे जो ब्रांड होती हैं वो स्टार्टिंग एज में अपना कूपन प्रोवाइड करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है, और साथ साथ सैंपल प्रोवाइड करती है ताकि उनके ब्रांड की पहचान बने। तो यहाँ पर नॉन प्राइस कंपटीशन रहता है, मीन्स कि कूपन प्रोवाइड करना, सैंपल्स प्रोवाइड करना, डिस्काउंट देना, ये सब। और इसके बाद परफेक्ट, यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कोई परफेक्ट नॉलेज नहीं होती बायर्स को ब्रांड्स के बारे में। जैसे
परफेक्ट कंपटीशन में होती थी कि सभी बायर्स के पास पूरी नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज है, बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बायर्स के पास परफेक्ट नॉलेज नहीं होती, इम्परफेक्ट नॉलेज होती है प्राइस और प्रोडक्ट को लेकर। इसी वजह से उन्हें एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है ताकि उनके ब्रांड की पहचान बने, कस्टमर्स में उस चीज़ को लेकर नॉलेज हो, अवेयरनेस हो। तो ये था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको इस कंसेप्ट में कुछ भी डाउट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को लेकर, उसके फीचर्स को लेकर, और लास्ट दोनों मार्केट में भी कुछ डाउट है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके जाइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप UGC नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको पेपर 2 कॉमर्स से रिलेटेड या पेपर 1 से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उसी टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो।